नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और सुनाओ क्या हाल चाल सब ठीक यस सर अशमीत है मिनी है तानिया है हरी है डॉली है अश्लीषा है अरिंदम है कृतिका है वैभव है सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए लिए चलते हैं आपको टूर पर तो यहाँ पर हम अब सप्लाई चैप्टर अपना डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चलो रे आगे सब लोग हां सर जी तो मैं बताऊं आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए मैं एक तरीका दे रहा हूं आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा करना है हमने कि ऐसा तो है नहीं सप्लाई चैप्टर की सारी बातें भूल गए हो हम एक कोरा कागज अपने सामने लेंगे एक पेन लेंगे और रफ तरीके से की को लिख लिखकर हम रिवीजन करेंगे कुछ भी अगर रिवीजन करते समय भूलेंगे तो किताब होगी साइड में लेकिन उसे जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी किताब में झांक कर देखेंगे समझ में आ गई बात तो नॉट ओनली जीएसटी आप बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ट्राई करके देखिएगा क्योंकि पता है मुझे क्या लगता है मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं आपको कि अगर हम ऐसे से करते ना कि ये ऐसे है ये ऐसे है ये तो मुझे क्या लगता है कि अभी तो आपको लगता है कि यार रिवाइज हो गया है याद हो गया है पर एक्चुअल में चीज रिवाइज लंबे समय तक नहीं रह सकती आपके दिमाग में नहीं रह सकती क्योंकि तो आपने देख देख कर बस उसे किया है आपके दिमाग पे स्ट्रेस तो आया ही नहीं ना लोड तो आया ही नहीं ना वो मेमोरी से क्लिक तो हुआ ही नहीं ना बस ऊपरी परत एक बन गई इसकी जाके बात खत्म हो गई कुछ समय याद रहेगा फिर भूल जाओगे फिर जरूरत देख पड़ेगी देखने की ठीक है और ऐसा करते समय जब हम कागज पर लिखेंगे तो उसमें कुछ जो हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होगा ना तो उसको हम नोट करके अपने साइड में रख लेंगे कि यार दिस इज द वीकनेस इन दिस चैप्टर मुझे इस पर काम करना है जब तक वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कॉन्फिडेंस में कमी रह जाती है ठीक है तो बताते हैं प्रणव राधे है, राधे जी तो यहां पर आकर मैं शुरुआत करता हूं इतना मैं पता है कि यहां पर अपने आपको बाकी सब्जेक्ट में भी ये टेक्निक अप्लाई करनी है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या ये कारगर है कि नहीं है मैं ही करता था यहाँ पर एक सेक्शन नंबर सेवन आता है सेक्शन नंबर एट आता है थोड़ा और रफ लिख सकते हैं आप लोग फटाफट से काम हो जाए सेक्शन नंबर सेवन के अंदर आपके तीन शेड्यूल भी जुड़े हुए हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड करके ये आते हैं और सेक्शन एट जो है वो आपका मिक्स uh, और जो कॉम्पोजिट सप्लाई होती है उसके लिए होता है ठीक है जी ये मुझे पता है और साथ में कुछ एक सर्कुलर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको स्टडी हमें करना होता है अब शुरुआत करते हैं मुझे डायग्राम अपना याद आ जाता है उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरा चैप्टर चार हिस्सों में बटा हुआ है यहाँ पर इसका पार्ट ए करके आता है या पार्ट वन करके आता है जिसमें बताया जाएगा कि सप्लाई का मीनिंग क्या है पेड वाली है या फ्री वाली है दूसरे में बात करेंगे सप्लाई तो बन गई है लेकिन वो किसकी बनी है गुड्स की है किस सर्विस की है पार्ट थ्री के अंदर नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई की बात करेंगे और पार्ट फोर के अंदर जाकर हम लोग बंडल्ड सप्लाई की बात करके चलते हैं ठीक है उसके बाद आप चलिए पार्ट वन को शुरू करते हैं तो यहाँ से जो आपका पार्ट वन शुरू होगा इसमें पहले बात करते हैं जो पेड वाली चीज़ें होती हैं उनका क्या सीन है तो पेड़ वाले सेक्शन के अंदर हमारे देखना होता है कि तीन हिस्से बने हुए हैं एक दो और तीन पॉइंट हैं इसके अंदर आकर तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं एबीसी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए एक्टिविटी एक होनी चाहिए सेल हो लीज हो बाटर हो एक्सचेंज हो एटसेट्रा डिस्पोजल हो सब आ जाता है ड्यूरिंग द बिजनेस और फर्दर हैंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए और सी फॉर कंसिडेशन भी अपना होना चाहिए चाहिए दूसरे बोलता है कि जो क्लब वगैरह होते हैं और उसके जो मेंबर लोग होते हैं ना तो क्लब और मेंबर यानी कि एसोसिएशन ऑफ जो इंडिविजुअल्स अपनी है और उसके जो मेंबर्स होते हैं इन लोगों को ना डीम्ड सेपरेट माना जाता है और इनके बीच में जो भी घटना घटित होगी वो आपकी सप्लाई बनेगी पर ध्यान दीजिए पेड होनी चाहिए तभी सप्लाई बन पाएगी तीसरे पार्ट में बोला जाता है कि जो हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है वो हमारी चाहे बिज़नेस पर्पज के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पज के लिए आप देख रहे हो मैं बिजनेस को पूरा बिजनेस नहीं लिख रहा शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक है जुबान मेरी चल रही है बिजनेस पर्पज़ के लिए हो या मेरी पर्सनल पर्पज़ के लिए हो वो आपकी सप्लाई तो यहाँ पर आकर बन जाती है सप्लाई दोनों केस में बनेगी पक्का पक्का लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए जब आगे चल के बात करते हैं तो इस पर जी भी अपना लगाया जाता है और आर में जी लग जाता है लेकिन जो ये वाली पर्सनल वाली सप्लाई है इस पे आगे चलकर जब एग्जामिशन का चैप्टर आता है ना तो वहां पर जाकर दो बातें हो जाती हैं कि इसमें अपना जो ओइडार करके होता है एक सर्विस होती है ओइडार की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की सर्विस होती है साधारण तौर पे मान के चले दो तो बच्चा जो गेम खेल रहा होता है विदेशी कंपनियों के ऐप का इंडिया में पेड वाले गेम्स सब बात चल रही है पेड की खेल रहा होता है तो उस पर यहाँ जीएसटी हर हाल में रिकवर किया जाता है और जो अदर्स बच जाते हैं उन पर जीएसटी रिकवर नहीं किया जाता है ठीक है ये सीन वहां देखने को मिलता है उसके बाद में ये हो गया जी अपना तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी हुई राइट हैंड साइड पे आके हम देखते हैं कि यहाँ पर अपनी जो फ्री वाली सप्लाइज़ हैं उनकी बात करके चलते हैं है ना जो फ्री वाली सप्लाइज़ हैं हम लोग उनकी बात यहाँ करके चलते हैं और फ्री वाली सप्लाइज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है आर की एजेंसी की चर्चा करी जाती है आर बी आई के एजेंसी के अंदर थोड़ा नीचे ले आते हैं जगह कम है वहाँ पर आर बी आई के एजेंसी के अंदर जो हमारा आर होता है आर का मतलब है कि हमारा जो रिलेटेड पार्टीज होते हैं या डीम डिस्टिंग होते हैं इनके बीच में फ्री में भी ट्रांजेक्शन होगी तब भी उसे सप्लाई बनाया जाएगा बी का मतलब है कि बिज़नेस एसेट का अगर हम एक परमानेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं तो लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर हमने आईटीसी बुक कर रखा है तो वो भी अपनी सप्लाई बन जाती है और उसके बाद आर बी आई आई का मतलब होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज़ अगर हम फ्री में करके चल रहे हैं फ्री वाले सेक्शन में समय इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्री में करके चल रहे हैं किसी अपने से कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी से यहां पे चल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट से करके चल रहे रहे हैं हैं और बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो इसे भी यहाँ पर सप्लाई बना दिया जाता है एजेंसी का मतलब हो गया कि जब ट्रांजैक्शन एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में हो एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा हो या प्रिंसिपल से ले रहा हो दोनों ही केसेस के अंदर ये यह अपनी यहाँ पर सप्लाई बन जाती है ऐसा करने से आपका पता पहन तब तक नहीं चल सकता है जब तक आपके दिमाग में कुछ आए ना तो चीज वास्तव में रिकॉल होती है ये वास्तविक रिवीजन आपका ये होता है मैं लिख भी रहा हूं लेकिन शॉर्ट हैंड से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे समय ज्यादा ना लगे ठीक है आप अपना कमेंट दीजिएगा पहले देख लें पूरा उसके बाद कमेंट दीजिएगा कि यह कैसा रहा चार पॉइंट मेरे ये हो जाते हैं अच्छा जिन्हें मैं बिना किताब के रिकॉल कर पाया तो वो मेरी प्रॉपर्टी यहां पर आकर बन जाती है अब मैं निश्चित हो सकता हूं काफी लंबे समय तक के लिए कि जो मैंने आज रिकॉल कर लिया मुझे आगे भी रिकॉल रहेगा हां एक बात जरूर करें छोटी सी डायरी अपने पास में रख के चलें रिविजन करते समय जो जो भी मुझे इस चैप्टर से याद नहीं आया उनको शॉर्ट हैंड में लिख लें यार इन इन पॉइंट्स पर मुझे दिक्कत थी तो आपने वीकनेस अपनी आइडेंटिफाई कर ली है और इसके अलावा बाकी चैप्टर आपका कॉन्फिडेंट है उसके अंदर आकर ठीक हाँ बच्चा तानिया आप अपना एंड से बढ़ाओ बाकी तो कोई दिक्कत नहीं वॉल्यूम ठीक है यहां से ठीक है ओके <coughs> okay जी फिर अच्छा दूसरी ये वाली बात थी ये आपकी शेड्यूल के अंदर फॉल करके चलती है फिर आ जाता है आपका शेड्यूल नंबर टू यहां आता है जिसमें बात करते हैं कि भाई आ, सप्लाई गुड्स की बनेगी या फिर सर्विस की बनेगी किसकी बनेगी तो सबसे पहले हमने गुड्स को यहां पर पकड़ा मोबेबल प्रॉपर्टीज को अगर इसमें हम क्या करते हैं कि ओनरशिप हमें दिख रही है ट्रांसफ़र हो गई है या फिर ट्रांसफर हो जाएगी टू बी है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स में काउंट हो जाता है और अगर मान लेते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है और ना ही होगी आगे तो कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं तो वैसे वाले केस के अंदर हमें से यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट करके चलते हैं जो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको मैं दो भागों में बांट सकता हूँ एक तरफ मैंने लैंड रखा एक तरफ मैंने यहाँ पर आकर बिल्डिंग को रख लिया है ठीक है जी तो इसमें हम देखते हैं मालिक अच्छा ये जो घटना है ये आपकी शेड्यूल टू के अंदर फॉलो कर रही है यस सर तो लैंड जो है उसको अगर हम सेल यहां पर कर देते हैं तो वो सप्लाई ही नहीं बनता है और अगर हम इसे लीज पर देते हैं तो आपका यहां सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट हो जाता है जो बिल्डिंग अपनी होती है उसमें दो प्रकार की हो गई एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो गई अपनी उसका ट्रीटमेंट सेम लैंड के जैसा होगा अगर सेल कर दी तो कुछ भी नहीं माना जाएगा और अगर हमने उसे लीज वगैरह पर दिया रेंट आउट किया तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट कर लेते हैं लेकिन जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है उसे लीज पर देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन है स्टिल अगर लीज पर दे भी दिया हाइपोथेटिकली मान लेते हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट हो जाएगा दूसरा अगर हम उसको बेच दिया तो तो ये डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट कर लिया जाता है <coughs> उसके बाद हमने देखा कि यार और भी कई सारे point थे। जो software होते हैं हैं अपने अगर मान लेते हैं, हमारा आ, कोई आ, ready -made software है उसका क्या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑलवेज अपना सर्विस के अंदर काउंट किया जाता है जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है तो देखना होगा कि वो टेम्प्रेरी ट्रांसफर किया गया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है और अगर वो परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट कर ले कर चलते हैं वैसी वाली बात देखने को मिलती है जो हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट की बात करके चलते हैं वो भी एक प्रकार की सर्विस है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं वो भी एक सर्विस यहाँ पर आती है जॉब वर्क की बात करते हैं वो भी अपनी सर्विस के अंदर ही काउंट करी जाती है इस प्रकार की बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और, और कुछ तो नहीं बचा यहाँ पर आकर नहीं सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है वो भी अपना अगर हमने टेम्प्रेरी ट्रांसफर किया है तो फिर अपना सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट होगा और अगर हमने उसे परमानेंट ट्रांसफर कर दिया है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट कर लिया जाएगा ठीक है मुझे एक पॉइंट और याद आता है यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलर हुआ करता था जहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट की हम बात कर रहे थे अगर ऐसे बीच में कोई पॉइंट याद आता है तो आप उसे भी रिकॉल करके लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ये था कि ये जो एजेंट है ये कौन सा वाला एजेंट है प्रिंसिपल यहाँ है एजेंट यहाँ है कस्टमर आपका यहाँ है तो मैं उस वाले एजेंट की बात कर रहा हूँ जो कि मेरा रेस्पॉन्सिबल एजेंट होता है यानी कि मैं इसे बिलिंग करता हूँ ये आगे करके चलता है इसके थ्रू होकर एक्चुअल में गुड्स निकल रहा है वो वाले एजेंट की चर्चा यहाँ पर करी जाती है जो एजेंट अपने हवा हवाई वाले होते हैं जो सिर्फ ट्रांजेक्शन को मीडिएट करते हैं और यहाँ सिर्फ डायरेक्ट बिलिंग होती तो वो वाले एजेंट की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं ठीक है जी फिर हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर शेड्यूल टू हमारा हो जाता है फिर हमारा शेड्यूल नंबर तीन आ जाता है ऐसे देखेंगे आपके आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में हो जाएगा जब शेड्यूल थ्री पर अपना हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये आता है अपना न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी लीकर वाले की हम लोग बात किया करते थे ठीक है न्यू मैजिक मतलब एन है कि एन टी टी टू एन टी टी के अगर हमें ये एन टी टी से माल एन टी टी के अंदर जा रहा है तो इस घटना में चूंकि डेस्टिनेशन बाहर का बाहर है जीएसटी नहीं लगना चाहिए इसलिए इसे सप्लाई हम नहीं बनाकर चलते हैं हाँ ये जो मीडिएटर यहाँ पर होता है इंटरमीडियरी इसकी अपनी जो सर्विस है उसे गेट नंबर पाँच यानी कि एग्जामिशन के रूट से बाहर निकाल रखा होता है उसे कमीशन पर भी जी नहीं लगाया जाता है ठीक है जी एंड न्यू uh, फिर बात करते हैं ई e की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करते हैं यहाँ पर एस सी एल और ये अपना एम्प्लॉय ऐसे करके आ रहा है तो इसको कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंडर जो भी मिला है उसे यहाँ सैलरी के नाम से जानते हैं और सैलरी पर जी एस टी बिल्कुल भी नहीं आएगा इसलिए सप्लाई नहीं माना जाता है बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इसे जो भी मिलता है उसे सैलरी नहीं बोलते उसे गिफ्ट बोलते हैं गिफ्ट पै के दो बातें हो जाती हैं अगर ये फाइनेंशियल ईयर में पूरे में एक एम्प्लॉय को पचास हज़ार तक का है फिर तो मैं इसे सप्लाई नहीं मानूंगा जीएसटी की बात नहीं होगी अगर ये पचास हज़ार से ऊपर का मान लो इक्यावन हज़ार का हो जाता तो पूरा पूरा अमाउंट यहाँ पर सप्लाई बन जाएगा और पूरे पूरे इक्यावन हज़ार रुपये के ऊपर जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा न्यू फिर आता है अपना डब्लू यहाँ पर करके ठीक है डब्लू बोलते हैं वो है वेयरहाउस या बॉन्डेड वेयरहाउस की बात करते हैं ये अपना यहाँ पर मान लेते हैं कस्टम एरिया है क्या है ये ये कस्टम एरिया है और ये अपना यहाँ पर होम कंजम्पन की बात हम करके चलते हैं अपना रेस्ट ऑफ द इंडिया ऐसे करके है इंडिया के बाहर से जब गुड्स आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम करके चलते हैं तो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती है साथ में आई भी लगाया जाता है हम अच्छे से पता है कि जो आई है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को ही यहाँ पर फॉलो करके चलता है हाँ वेरी गुड मुझसे आगे आगे चलना बाबू अब आगे क्या आने वाला है वो आपको पहले से पता होना चाहिए तो उसमें ना आपका भी दिमाग लग रहा है ये मान के चलो रिवीजन आप ही कर रहे हो मुझसे भी आगे आगे चलना प्लीज़ जैसे माँ बाप के आगे बच्चे भागते ना छोटे छोटे वैसे भागना है आपने तो इसको फॉलो ये करके चलता है तो जब ये लगाई जाती है जिस पॉइंट पर उसी पॉइंट पर आपका ये लगाया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहाँ 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 कस्टम एरिया में कहीं पर भी अगर ये गुड्स बेच दिया जाता है तो क्या उस ट्रांजैक्शन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी जी नहीं क्या उस पर आई आएगा जी नहीं और आई जी नहीं लगाना है क्योंकि वो हम जानबूझ के नहीं लगा रहे बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है तो यहाँ कस्टम एरिया इधर क्लियरेंस से पहले जो भी अपनी सेल रही होगी उस पर हम सप्लाई नहीं मानेंगे आई नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये सब आपके जब क्लियरेंस होता है ना ये बॉर्डर लाइन को पार करता है कस्टम एरिया वाली को उस वक्त इम्पोर्ट ड्यूटी और आई का पेमेंट जो भी उसका लास्ट ओनर रहा होता है उसके द्वारा किया जाता है न्यू मैजिक जो मॉर्चरी की बात करते हैं शव को जलाने दफनाने के लिए जो भी यहाँ पर शमशान घाट में पैसे लिए जाते हैं उसे सप्लाई नहीं मानेंगे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन वाली बस होती है जो मृत शरीर को ट्रांसपोर्ट करती है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाएंगे उसे भी हम यहाँ पर सप्लाई नहीं बनेंगे सप्लाई नहीं बनने का मतलब ये है कि चीज़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है सरकार ना उसके ऊपर आज जीएसटी चाहती है और ना ही भविष्य में कभी उनका इंटेंट है कि हम जीएसटी लगाएंगे क्योंकि इसमें खतरनाक चीज़ें हैं ये तो इसलिए इनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है जिन चीज़ों को एग्जामेशन से निकाला जाता है वो ऐसे हैं कि उनकी रूट तो है जड़ तो है लेवी तो है लेकिन अभी फिलहाल उन्हें ट्रिम कर रखा है जब चाहेगी सरकार तब वो उगा वहाँ पर फसल उसको टैक्सेबल कर देगी न्यू मैजिक ए की बात करते हैं तो ए के अंदर आता है आपका एक्शनेबल क्लेम की हम लोग बात करके चलते हैं ठीक है एक्शनेबल क्लेम के अंदर हम पहले देखा करते थे लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग जो है इसको तो सप्लाई बनाया जाता था क्योंकि इस पर पुराना टैक्स लगता था और इस पर जीएसटी भी हम लोग लेके चलते थे जो अदर फॉर्म हुआ करती थी एक्शनेबल क्लेम की उनको सप्लाई ही नहीं मानते थे लेकिन यहाँ पर एक लेटेस्ट अमेंडमेंट अब अपनी आई हुई है लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग के साथ साथ यहाँ पर आ गए हैं आपके कसिनो आ गया है यहाँ पर हॉर्स रेसिंग आ गया है और साथ में यहाँ आ गया है आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग आपका आ गया है और ये तीनों नाम बार बार ना लेने पड़ें इसलिए इन तीनों नामों को एक थैले में डाल दिया और थैले का नाम दे दिया गया है स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का नाम दे दिया है ठीक तो अब ऐसे पढ़ेंगे कि जो स्पेसिफाइड एक्शन क्लेम है वो तो अपने सप्लाई बनते हैं जीएसटी लगता है लेकिन उसके अलावा जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम नहीं है उनके ऊपर कोई सप्लाई नहीं बनेगी जीएसटी भी नहीं लगाया जाएगा राइट right, बेबी एम ए हम जी की बात करते हैं गवर्नमेंट पीपल सी एम साहब हैं पी एम साहब हैं एम एल एम एल सी ये वो है ना और अपने जो डायरेक्टर होते हैं गवर्नमेंट बॉडी के वो भी पार्ट टाइम डायरेक्टर क्योंकि जो होल टाइम डायरेक्टर हो तो अपना एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है वो सैलरी कंसिडर करते हैं उसको मिलने वाले पैसे को और उस पर हम लोग जी एस टी की बात नहीं करते हैं पहले से ही तो जो गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसकी सप्लाई को भी सप्लाई यहाँ पर नहीं माना जाता है ठीक है न्यू मैजिक अब आता है अपना आई आई निकल के आता है आई मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वो पहले ही हम बात अपनी कर चुके हैं कि लैंड है या कंप्लीट बिल्डिंग है बेचोगे तो सप्लाई नहीं बनाया जाएगा लैंड हो या फिर अपनी कंप्लीट बिल्डिंग हो बेचने पर सप्लाई नहीं बनेगी एम आई सी सी का मतलब हो गया आपके जो भी कोर्ट हैं चाहे वो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो ये कोर्ट हो वो कोर्ट हो टेनिस कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और जितने भी आपके ये ट्राइब्यूनल्स हैं चाहे वो जीएसटी अपने ट्रिब्यूनल्स हो चाहे वो आपका इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल्स हो चाहे एनसीएल एक्टसेट्रा हो ये जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्बी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहे हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सीन कुछ अलग होता है उसकी चर्चा एग्जम्शन चैप्टर में करी जाती है वो यहाँ से बाहर नहीं होता है न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी तो डब्ल्यू के अंदर जो सरकारी काम कुछ होते हैं जो सरकार को सौंप रखे होते हैं जैसे कि स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस हो गया बस अड्डे हो गए और अपना लाइक पार्क मेंटेनेंस हो गया एंड ऑल तो ये जो सब काम होते हैं इन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि सरकारी मैटर यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है लीकर वाले के अंदर बात करते हैं कि यहां पर एक ठेका है ये यूपी सरकार से यहां पर लाइसेंस दिया जा रहा है तो लाइसेंस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी क्योंकि यहां पर कलेक्शन इशू आ जाता है सरकार एन के अंदर देना नहीं चाहेगी और यहां चूंकि ठेका है इसकी अपनी खुद की जीएसटी लाइब्रिटी नहीं बनती खुद का रजिस्ट्रेशन भी यहां पर बंदे का नहीं होगा इसलिए इससे जीएसटी लेना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आर की अपनी मर्यादा होती है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से क्या ये खुशी खुशी जीएसटी दे पाएगा दान से रचना इसलिए यहां पर आकर को कहा कि ठीक है कलेक्शन इशू आ रहा है कलेक्शन इशू जब आता है तो हमें देखना होता है है कि हमारी चाहत कैसी जीएसटी चाहिए या चाहिए ही चाहिए अगर चाहिए तो छोड़ दो निकालो हटाओ यहां से और अगर लगता है कि भाई चाहिए ही चाहिए तो फिर कुछ तोड़फोड़ करते हैं चाहे बेवड़े से रिकवर करेंगे किससे करेंगे वो देखा जाएगा लेकिन यहां पर उन्होंने इसको हटा दिया यहां से सप्लाई ही नहीं बनने दिया है न्यू मैजिक ऑफ डब्ल्यू जी लीकर वाले अपना थर्ड शेड्यूल हो जाता है उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर एट करके आता है जिसे हम पार्ट फोर के अंदर अपना शामिल करके चलते हैं सेक्शन एट के अंदर बंडल्ड सर्विस की बात करते हैं इसमें आपके दो प्रकार की सप्लाई होती है एक कंपोजिट सप्लाई होती है और एक आपकी यहाँ पर मिक्सड सप्लाई जो आर्टिफिशियल बंडल के नाम से बुलाते हैं वो वाली होती है कंपोजिट सप्लाई वो होती है जहाँ पर पी टेस्ट अपना पूरा हो जाता है टू तो और मोर टैक्सीबल सप्लाई अपनी होती है नेचुरली बंडल्ड होती हैं और जिनमें कि एक सप्लाई आपकी प्रिंसिपल सप्लाई रहती है ऐसे वाले केस के अंदर आकर हम उसे यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई मान के चलते हैं और इसका जो क्लासिफिकेशन होगा पूरे बंडल को नाम बुलाया जो जाएगा वो प्रिंसिपल एक्टिविटी के नाम से बुलाएंगे मानेंगे कि पूरा पैसा इस प्रिंसिपल एक्टिविटी के लिए आया है जैसे परिवार होता है फैमिली होती है तो फैमिली में घर तो आपका भी है घर मम्मा का भी घर पापा का भी अगर बहन भैया सबका घर है लेकिन जब कोई पूछता है भैया घर किसका है तो वहाँ पापा का नाम लिया जाता है कि घर उनका है तो क्योंकि वो घर के हेड हैं प्रिंसिपल हैं दिखावे के लिए घर में वैसे तो मम्मा ही हेड होती हैं पर बाहर की दुनिया में पापा को हेड बनाया जाता है

अगर ऐसे याद नहीं आ रहा कौन कौन से थे तो आप ये जरूर चेक कर सकते हैं कि मेरी बुक में देख लो मेरे कौन कौन से सर्कुलर पे चर्चा करी गई है उनको जरूर यहां से देखा जा सकता है ऐसे करके पहला सर्कुलर में वो देखना आप कंटेंट नहीं देखना आपने ठीक है हाँ वो बुक्स वाला था अगर बुक्स वगैरह की प्रिंटिंग कराई जा रही है सो मेरी किताबें अपनी प्रिंट होती हैं तो इससे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस ग्रुप में कंसिडर किया जाता है और जो लूज फॉर्म वाली चीज़ें होती हैं जैसे मान लीजिए विजिटिंग कार्ड हो गया या फिर वो जैसे कैमरा वगैरह का डिब्बा मेरे पास में मैं आपको दिखाता हूँ हैं ये इस तरह की जो चीज़ें प्रिंट कराते हैं हमने उसको प्रिंटर को बोला कि भाई ये इस तरह का डिब्बा बाजार से खरीद कर कस्टमाइज डिब्बा उसे प्रिंट करके आप हमें दे दीजिए कार्ट वगैरह जो होते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में जानकर हम चलते हैं ठीक हमारा अगला सर्कुलर आता है यहाँ पर आकर कि भाई वो जो था ना कि अगर डीम डिस्टिंग के बीच में ट्रांजेक्शन अपनी हो रही होती है अगर ट्रांजेक्शन डीम डिस्टिंग के बीच में हो रखी होती है तो यहाँ परमानेंट ट्रांसफर होता है परमानेंट ट्रांसफर होता है तभी हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से जानकर चलते हैं तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था अपना उसका Uh, क्या बोलते हैं जैसे मान लीजिए क्रेन है कोई ठीक है आपका एक कारोबार यूपी में है और आपका एक कारोबार यहाँ हरियाणा के अंदर है बस की बात कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ से बस इस यहाँ पर जाती फिर लौट के आ जाती है जैसे सपोज करते हैं एग्जाम्पल रहते हैं एक रोड मोटर एक मोटर को ज़रा यहाँ हरियाणा रोडवेज की बात करते हैं ये रही आपकी हरियाणा रोडवेज की बात हम करके चल रहे हैं और ये हरियाणा और दिल्ली के बीच में मूव करती है ठीक है यहाँ से बस अपने डिपो पर जाएगी ये हरियाणा का डिपो यहाँ बना हुआ है इसमें यहाँ पर इसका डिपो ये बना हुआ है दोनों हरियाणा वाले के ही हैं अपने हरियाणा रोडवेज के यहाँ से बस जाती फिर लौट के आती फिर जाती फिर आती फिर जाती फिर आती है तो ये जो मूवमेंट जो हो रहा है कई परमानेंट हो रहा है ये गई जरूर है लेकिन बैलेंस शीट से नहीं गई वो अभी बैलेंस शीट के अंदर है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है उसके में तो अगर ऐसा होता है तो फिर से सप्लाई नहीं माना जाएगा मुद्दे की बात यह कि डिम डिस्टिंग के बीच में हम सप्लाई तभी मानते हैं जब वाकई में ओनरशिप ट्रांसफर हुई हो परमानेंट ट्रांसफर हुआ हो तभी उसे यहां पर इस प्रकार से माना जाता है सप्लाई उसके बाद में फिर हमारा जो अगला सर्कुलर आता है यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं भगवान झूठ ना बुलाए लैब अल्काइल बेंजीन मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दे समझाया था उसके अंदर बात ये थी जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारी बात की जाती है ये यह बंदा यहाँ से मिल्क अपना लिखता है ऐसे करके फुल क्रीम मिल्क यहाँ पर आया था और उनका कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई मिल्क आएगा मिल्क से क्रीम निकालूंगा क्रीम से आगे मैं घी बनाता हूँ ठीक है तो क्रीम मेरा प्रोडक्ट है वो चाहिए मुझे तो मैं आपसे मिल्क लेकर क्रीम अपने पास रख लूंगा और जो टोन्ड मिल्क होगा वो मैं आपको वापस कर दूंगा तो प्रैक्टिकली मैंने इसे लिया क्या प्रैक्टिकली मैंने इसे लिया क्या मैंने इसे क्रीम ली है ये मैं इसको क्रीम के पैसे दूंगा आया दूध था पर प्रैक्टिकली ली मैंने क्रीम है क्योंकि बाकी उसका जो बचा था टोन मिल्क वो वापस कर दिया है यहाँ इनवॉइसिंग भी क्रीम की ही कराई जाएगी रेट ऑफ जीएसटी भी क्रीम का होगा और पैसे भी मैं क्रीम के ही देकर चलूंगा तो ये सप्लाई ऑफ क्रीम है अकॉर्डिंगली इस पर जीएसटी की बात करी जाएगी ऐसा यहाँ पर बोला गया था और भी रेस्टेशन यहाँ पर आते हैं रीट्रीडिंग ऑफ टायर जो अपनी होती है टायर पर रबड़ चढ़वाना ये एक प्रकार की जो होती है सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट किया जाता है लेकिन जो रबड़ चढ़ा रहा है पुराना टायर भी उसी का ही था उसी चढ़ाई है और रबड़ चढ़ा हुआ टायर आप ले रहे हैं तो फिर वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर काउंट कर लिया <coughs> जाता है जी एंड उसके बाद में कंज्यूमर कोर्ट की बात हुई थी तो कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर कोई किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया जाएगा ऐसी बात सर्कुलर के अंदर लिखी हुई है और जो डोनर होते हैं जैसे कोई मंदिर मस्जिद वगैरह में अपना कुछ डोनेशन वहाँ पर दे दिया है तो डोनेशन के बदले आपने कुछ मिला कि नहीं मिला अगर डोनेशन देने के बदले आप कोई किसी प्रकार का कमर्शियल गेन ले जाते हो जैसे मान लीजिए मैं मंदिर को पाँच लाख रुपए देता हूँ और उस पर लिखवा देता हूँ कि ये जो पत्थर लगवाया है ये सी राजकुमार क्लासेज या सी राजकुमार मेंबरशिप नंबर ये आई डी टी क्लासेस यहाँ लगवाया है तो ऐसे करके जो कि मंदिर में बहुत सारी भीड़ आती है तो वहाँ पर आकर भक्तों की भीड़ आती है वहाँ पर तो मैं ऐसे करके वहाँ से कमर्शियल गेन ले रहा हूँ ठीक है अगर ऐसा है तो ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा लेकिन सिर्फ मैं अपना नाम लिखवा देता हूँ कि ये गिफ्टेड बाई राजकुमार है तो राजकुमार तो बहुत सारे हो सकते हैं तो ऐसे वाले केस के अंदर मैंने कोई कमर्शियल गेन नहीं लिया है तो वहां पर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है जी एंड उसके बाद <coughs> दो तीन सर्कुलर आपके और आते हैं दो सर्कुलर बेसिकली यह आपके यहाँ पर नए लॉन्च करे गए हैं कौन कौन से नए लॉन्च करे गए हैं सर जी सर यहाँ पे जो लॉन्च करे गए हैं वो है अपना एक तो ये कि सपोज कीजिए ये आपकी होल्डिंग कंपनी है ठीक है और ये यह आपकी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी है ठीक है सब्सिडरी कंपनी तो इसके शेयर्स इन्होंने यहाँ पर ले रखे हैं इसमें इन्वेस्ट कर रखा है इसमें इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स ले रखे हैं इसके बदले यहाँ से इसको जो डिविडेंड है उसकी इनकम मिलती है तो क्या ये ट्रांजेक्शन आपकी सप्लाई बन गई मतलब सिक्योरिटी परचेज करना के सप्लाई के रूप में कंसिडर हो जाता है द आंसर इज नो यहां पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी ठीक है क्योंकि इसने इसके शेयर्स को परचेज़ करा शेयर सिक्योरिटीज़ होते हैं कोई किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे उसके बाद आप सिनेमा हॉल गए वहाँ सर गए हैं तो यहाँ पर ये यह अपना पी है ठीक है पी वी आर यहाँ ये यह ऑडी बना हुआ जहाँ पर आप पिक्चर देखते हैं और उसके बाहर आप देखते हैं यहाँ पर आकर सब जी वो आ, क्या बोलते हैं ना वो, वो होती हैं स्टॉल लगी हुई होती हैं कि पॉपकॉर्न है कि ये है कि वो है कि बर्गर है कि बर्गर है ये सब यहाँ पर लगा हुआ होता है <coughs> लगा हुआ होता है आप यहां से अपना एंट्री करते हैं एंट्री करके यहां से होते हुए आप ऑडिटोरियम में घुस जाते हैं इसमें और मूवी देखते हैं शानदार वाली ब्रेक में आप निकल के आते हो ब्रेक में आप कुछ खाते पीते हैं यहां पर आकर तो ये जो ईटिंग जॉइंट्स अपने बने हुए हैं तो इनको कैसे क्लासीफाई करके चलेंगे इनको हम रेस्टोरेंट सर्विस के अंदर क्लासीफाई करके चलेंगे या फिर इसको हम मूवी के अंदर ही क्लासीफाई करके चलेंगे तो अगर आपका कंबाइंड टिकट है इंक्लूडिंग मील है फिर तो आपकी कंपोजिट सप्लाई बन जाती है फिर तो वो मूवी के अंदर ही क्लासीफाई किया जाएगा लेकिन अगर आप इसे सेपरेट स्पेसिफिक चार्ज देकर यहां पर ले रहे हैं तो फिर वैसे वाले केस के अंदर से रेस्टोरेंट सर्विस के तौर पर कंसिडर किया जाएगा ये एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे मानकर चलिए जैसे कि आप हवाई जहाज में जा रहे होते हैं और हवाई जहाज में आपकी जो टिकट है वो इंक्लूडिंग मील है फिर तो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर में क्लासिफिकेशन चला जाता है अपना लेकिन अगर मील के पैसे आपको अलग से देने पड़ रहे हैं तो उसका इंडिपेंडेंट ही क्लासिफिकेशन जाता है इंडिपेंडेंटली वहाँ पे अपनी बात करके चलते हैं मालिक इस तरीके से आपका ये सुंदर सा चैप्टर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है दी एंड इति सिद्धम मुझे बताइए बाबू बात समझ में आई कि नहीं आई और ऐसा करने से जैसे मैंने किया ये रफ वर्क ऐसा करने से एक अलग कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है कि नहीं आता अच्छा मैंने तो खैर सारी चीजें याद रहती हैं मेरा सब्जेक्ट ही एक है लेकिन आप हो सकता है बीच में कुछ चीजों को भूलेंगे अब जिन चीज़ों को भूलें थोड़ा रुक के समय लगा लो कि शायद याद आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए याद ना आए तो उसे अलग से जरूर जरूर उस पॉइंट को लिख लेना यहां से देख कि एक heading, heading बस, दो, तीन शब्दों में कि यार ये मैं रिकॉल नहीं कर पाया था ये मेरी वीकनेस है अब इसको पढ़ो किताब से जो आप रिकॉल नहीं कर पाए उसको देखो किताब से कि बेटा ये क्या था मुझे क्यों नहीं याद आया था अगली बार पक्का आपको याद आएगा तो ऐसे करके चलेंगे ना आप तो बाबू मेरे बहुत अच्छा सा आपको यहां पर लग जाएगा ठीक है तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है तो आज के लिए इतना ही मैं रख के चलता हूं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आराधन कृपा आपको बरसती रहे कल फिर मिलूंगा आपके लिए बेहतरीन चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ में तब तक के लिए थैंक यू सर टाइमिंग बता दो बारह बजे से पहले पहले रिवीजन की टाइमिंग बता दो बारह बजे से पहले पहले कभी भी हो जाएगी जब बाबा को प्रभु का आदेश होगा तो यहां पर आपका रिवीजन तैयार हो जाएगा राधे राधे मेरे कबूतरों हैं चलो बाय बाय बाय